गाइस, मैं हूं आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच तान्या। स्वागत है आपका मेरे चैनल तान्यास रेसिपीज में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही यम्मी एंड इजी रेसिपी। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। ये एक एग रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 छोटे प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, हरा धनिया, पीली और हरी शिमला मिर्च, 3 स्लाइसेस चीज के, 3 स्लाइसेस ब्रेड के और एग्स। गाइस, जिन सब्जियों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है, ये जरूरी नहीं कि आप भी उन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप अपने अकॉर्डिंगली सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने सारे सब्जियों को चॉप कर लिया है, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और पीली और लाल शिमला मिर्च। अब हम ब्रेड की स्लाइसेस को सेंटर से कट करके इसकी एजेस को अलग कर लेंगे। देखिए, ऐसे हम एजेस को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने तीनों ब्रेड की एजेस को अलग कर लिया है। तो आइए अब हम एग का बैटर तैयार करेंगे। एग का बैटर तैयार करने के लिए हम एग्स को एक बाउल में तोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर चॉप की हुई वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, पीली लाल शिमला मिर्च, प्याज, थोड़ा धनिया और हरी मिर्च। अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी काली मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंगली मसालों को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। अब एग्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एग्स को हमने अच्छे से फेंट लिया है। मैंने तवा को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम तवा पे थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और उसको तवा पे चारों ओर फैला देंगे। फ्रेंड्स, आप बटर की जगह ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे बटर का यूज कर रही हूँ क्योंकि बटर से ये थोड़ा क्रिस्पी बनता है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब हम कटे हुए एज को तवा पे रखेंगे। अब हम इसके सेंटर में अपने तैयार किए गए ऑमलेट का मिक्सचर को ऐड करेंगे। अब मैं इसके ऊपर एक चीज स्लाइस रखूंगी। मैं यहाँ पर चीज स्लाइस का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्रेटर चीज का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑमलेट का मिक्सचर और पोर करेंगे और इसके ऊपर जो ब्रेड हमने कट किया था वो रख देंगे और इसको हल्के हाथ से दबा देंगे। अब इसको पलट के देखते हैं। देखिए, ये एक साइड से पक चुका है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब मैं इसको टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस से सर्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना यम्मी ब्रेकफास्ट बना है। इसमें ब्रेड भी है, ऑमलेट भी है और चीज भी है। आप भी इसको बनाकर जरूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक ख्याल रखें और हाँ, घर से निकलते टाइम मास्क पहनना ना भूलें।